بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين My dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today, we are going to start new unit and that is unit number 9 Introduction to Hadith And its first question is Meaning and importance of hadith. जहां तक लफ्ज हदीस का ताल्लुक है the second source of Islam and Islamic studies is the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जब हम Islamic studies में हदीस का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हदीस जब हम हदीस का लफ्ज बोलते हैं तो उस वक्त डायरेक्टली मकसद होता है हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम लफ्जी एतबार देखेंगे द वर्ड हदीस मींस न्यूज रिपोर्ट और नरेशन ये तो लफ्जी मतलब है हदीस का कि कोई न्यूज कोई रिपोर्ट या कोई नरेशन कोई हमें खबर देता है कोई इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा तो वो जो वो इंफॉर्मेशन हमें देता है हम उसको हदीस कहते हैं लेकिन ये एक इस जनरल सेंस में जो है ये इंफॉर्मेशन है अरबी में भी बहुत जगहों पर इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है हदीस का लफ्ज लेकिन जब हम इस्लामिक शरीयत में हदीस बोलते हैं तो हमारा मकसद होता है हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अल्फाज में हम इस तरीके से कह सकते हैं टेक्निकली और इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी इन इस्लामिक स्टडीज और इन इस्लाम द टर्म हदीस और सुन्ना मीन्स सेइंग्स डूइंग्स साइलेंट अप्रूवल्स एंड बोथ बॉडीली क्वालिटीज एज वेल एज बिहेवियरल क्वालिटीज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जो भी कुछ फरमाया उन्होंने जो भी कुछ किया और उन्होंने जो भी उनके सामने कुछ किया गया और उन्होंने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई खामोशी अख्तियार की और जो उनकी जो बॉडीली क्वालिटीज एज वेल एज बिहेवियरल क्वालिटीज औसाफुल खुलकिया व औसाफुल खलकिया और ये सारी चीजें आ जाते हैं हदीस में तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं दिस मीन्स द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द टीचिंग्स एंड अटरेंसेस लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु इज कॉल्ड हदीस इन इस्लामिक स्टडीज इज ईच एंड एवरीथिंग इज कॉल्ड हदीस इन इस्लामिक स्टडीज यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो भी कुछ कहा उन्होंने जो भी कुछ किया उन्होंने जिस तरीके से वो जो उनकी सीरत मुकद्दस है उसमें जो भी उन्होंने कुछ किया तो वो आ जाता है इसमें हदीस में यानी मोहम्मद अरबी सल्लम के हर एक चीज का जो रिकॉर्ड है वो हदीस कहलाया जाता है तो इस चीज को ऑलमाइटी अल्लाह प्रिजर्व द हदीस बाई एनेबलिंग द कंपेनियंस ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लम एंड दोज आफ्टर देम टू मेमोराइज write down and pass on the these statements of the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam they remained continue to practice the descriptions of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam rab ne wo jo sahaba e huzur sallallahu alaihi wasallam the unko wo zehanat ata ki unhone muhammad e arabi sallallahu alaihi wasallam ka har ek cheez yaad rakhne ke baad unhone us cheez ko aage बोला जो उनके बाद जो लोग आए तो उन्होंने फिर उसके बाद जो लोग आए उन्होंने फिर उसके बाद जो लोग आए तो इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहा और हदीस जो है हमारे पास इस टाइम भी मौजूद है हमें कोई भी चीज जो है दीन इस्लाम में समझने के लिए हमें उसके लिए कुरान चाहिए कुरान से क्या रेफरेंस है और फिर कुरान के बाद जो हमारे पास हदीस है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स सेकेंड मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स इस्लाम स्टडीज तो वो है
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सारे कलाम है, जो भी कुछ उन्होंने फरमाया है, जो भी कुछ उन्होंने किया है और जो भी कुछ उनके सामने किया गया और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार की और जो भी उनका सब कुछ तौर तरीका, उठना बैठना, जैसे उन्होंने कुछ सिखाया, जो भी कुछ है, तो वो हदीस कहलाता है इस्लामिक स्टडीज में। तो इस तरीके से फिर जो सहाबे रसूल सल्लम जो थे, उन्होंने वो सब सारी चीज़ें याद करने के बाद उनको फिर आगे उन्होंने पहुंचाया। तो इस तरीके से हजरत अल्लाह जल्ला शानहु ने इस सारे अहादीस जो है, जो भी मोहम्मद अरबी सल्लम के जो फरमान है, उनको महफूज किया रब्बुल आलमीन ने और वो फिर हम तक, आज तक हमारे पास वो महफूज है किताबों में। याद करने के बाद जब सहाबों ने याद किया तो उसके बाद रबी करीम ने, रबी करीम के फजल व करम से ही दुनिया में ऐसी वो शख्सियतें पैदा हुई जिन्होंने इस हदीस का वो पूरी तरह से फिर इस पे एक वो रिसर्च हुई कि किस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लम की जो बात है, कौन सी बात सही है, या किसी ने मत किसी कोई बात जो अगर आई हो जिसका कोई अथेंटिसिटी ना हो तो उसको भी परखा गया। उस चीज़ को भी फिर उलमा हजरात ने, जो स्कॉलर्स जो रब्बुल आलमीन ने पैदा किए दुनिया में, और उस तरीके से ये हदीस जो है इस आगे चला। द मेथडोलॉजी ऑफ द एक्सपर्ट स्कॉलर्स ऑफ हदीस इन असेसिंग द नरेशंस एंड द सॉर्टिंग आउट द जेन्युइननेस फ्रॉम द मिस्टेकन एंड फैब्रिकेटेड The sayings forms the subject matter of the science of hadith. जो हदीस का जो साइंस, जिसे हम कहते हैं हदीस में, इस्लामिक स्टडीज में जो जो हदीसों का साइंस है, उसमें स्कॉलर्स यही देखते हैं कि जो हदीस हमारे पास, जो बात मोहम्मद अरबी की हमारे पास पहुंची है, क्या ये सही है, इसमें किस हद तक वो जो है इंफॉर्मेशन सही है और किस हद तक ये गलत है। और इसलिए इस चीज़ पर वो इसको परखने के लिए उन्होंने वो अपने मयार कायम किए। तो मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा एक चीज़ यहाँ पर समझने के लिए, एक एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि अगर किसी सहाबा ने मोहम्मद अरबी सल्लम को कोई बात बोलते हुए, वो उस टाइम वहाँ पर हाजिर थे, तो उन्होंने फिर वो बात बोली, इसके बाद दूसरे आदमी के पास पहुँची, फिर उसने दूसरे आदमी को बता दी, फिर उसने दूसरे आदमी को बता दी, तो ये ऐसे बात चली आगे। लेकिन जो स्कॉलर्स ऑफ हदीस है, उन्होंने ये पहले से वो इसको देख रहे हैं कि जब किसी सहाबा ने इस बात को बोला, किसको बोला, फिर उसने किस जमाने में वो बात दूसरे इंसान को बोली, तो जिसको बोली वो इंसान कितना, उसका नाम क्या था, वो कहाँ का था, उसने किस हिसाब से फिर इसको आगे इस बात को पहुंचाया, वो खुद क्या करता था, उसका जो खुद का काम क्या था, क्या वो नमाज अदा करता था कि नहीं, क्या वो रोजे जक़ात जितने सारे इस्लाम के अरकान है उन पर वो अमल करता था कि नहीं करता था, इस सब की जान पहचान, इस सब की जो वो है, इस सब का रिकॉर्ड जो है वो जो वो इस्लाम स्कॉलर थे, उन्होंने वो यानी ये अपने उन किताबों में इसको दर्ज करके और इसके एतबार से फिर देखा उन्होंने कि किस हदीस को हम सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे। हमारे सामने बहुत सारे किताबें इस टाइम मौजूद है, मसलन हमारे पास है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो है, जिसे हम बुखारी शरीफ कहते हैं, वो हमारे पास मौजूद है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली किताब जो लिखी गई है इस अहादीस पर वो था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की अल मौता, और इसके बाद जो है हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो भी वो मसलन हमारे पास मौजूद है। फिर है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हमारे पास जो है बुखारी शरीफ हमारे पास मौजूद है। फिर है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो है हमारे पास मुस्लिम शरीफ मौजूद है। इसी तरह अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो हमारे पास तिर्मिजी अबू दाऊद जो है, उनकी जो हमारे पास जो मौजूद है सुनन अबू दाऊद जो है, इसी तरह हमारे पास सुनन तिर्मिजी हमारे पास मौजूद है, सुनन नसाई हमारे पास मौजूद है, सुनन इब्न माजा हमारे पास मौजूद है। तो ये जो है तकरीबन 7-8 किताबें जिनका मैंने नाम आपके सामने बता दिया, इनके जो लिखने वाले हैं बड़े वो शख्सियत के वो मालिक है, और उन्होंने इस अहादीस का वो अपने अपनी किताबों में, अपने अपने दर्जों के मुताबिक उन्होंने अपनी किताबों में इन अहादीस को दर्ज किया है। तो ये जो है दिस ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खजाना जो है, उनके बातों का खजाना, जो उन्होंने कुछ बताया और जो उन्होंने कुछ किया,
और जो भी उनकी जिंदगी में जो भी कुछ आया, जिन मसलों का हल किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि हाउ ही रिमूव्ड दिस होल ह्यूमैनिटी फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट, तो कैसे उन्होंने इस कायनात को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाया, और इसमें उन्होंने जो भी कुछ किया वो सारा हमारे पास मौजूद है, और सिर्फ मौजूद ही नहीं है बल्कि उसके बारे में पूरी तरह से जो वो उसका जो तहकीक किया गया है कि किस कौन सी बात इसमें सही है और कौन सी इसमें गलत है, कौन सी किसी इंसान ने खुद अपनी बात कही है और कौन सी जो है मोहम्मद अरबी सल्लम की बात है, उसका पूरा जो हमारे पास वो मौजूद है, किताबों में दर्ज है एक सिस्टम और एक मेथड, तो वो हमारे पास मौजूद है। ये तो रबी करीम का ही फजल और कर्म था जो रबी करीम ने हमारे लिए ये महफूज करके रखा है, और आज भी जो है हम दुनिया में जितने सारे हमारे पास फैसले करने होते हैं दुनिया में दुनियाई हिसाब किताबों को देखने के लिए हमारे पास ये इल्म का खजाना जो है रब्बुल आलमीन ने ही हमारे लिए इस दुनिया में इसको क्या कहते हैं कायम करके रखा हमारे पास ये है। तो चूंकि हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हदीस, तो मीनिंग वाले फेज में अभी हमें हदीस के लिए दो तीन चीज़ें और भी बहुत जरूरी है, वो जो हदीस जो होता है आप हमारे इस्लामिक स्टडीज में हदीस कहते हैं, हदीस के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है मतन, मतन का मतलब होता है विच मीन्स मेन टेक्स्ट, जो मेन बात अहादीस में है, क्योंकि हमारे पास अब खाली हदीस ही नहीं है, हमारे पास सबको हदीस कहते हैं, हमारे पास जो एक वो है जो बात मोहम्मद ने हमसे कही है उसे हम हदीस कहते हैं, लेकिन जिन सहाबों ने इस बात को हम तक पहुंचाया वो सारे इसमें आ जाए, सहाबा आते हैं उसके बाद जितने सारे ताबीन तबा ताबीन जो भी कोई इंसान इसमें आ जाता है उनको तो हम नरेटर्स कहते हैं, नरेटर्स उनको कहते हैं, उसको हम कहते हैं असनाद, वो पाठ होता है सनद कि ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, सी ने डी से कहा, डी ने ई से कहा, इसी तरह इसकी चेन बन जाती है तो ये फिर हम तक ये बात पहुंच जाती है, और इस चेन को जो कहते हैं इसको हम असनाद कहते हैं, मीन द चेन ऑफ नरेटर, इसका नाम असनाद है, हम हादिस टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं। तो मतलब वो बात हुई जो मेन बात है इसमें, अब जो ये जो हमारे पास ये चेन जो हमारे पास आती है इस तरीके से चेन अगर होगी, फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि मैं इस तरह यहां पर बैठा था फिर मैंने ये बात बी को कही, बी कहता है कि देखो मैंने ये बात फलानी आदमी से सुनी, मैं इस हालत में था, मैं यहां पर इस जगह पर मौजूद था तो मैंने ये बात सुनी, फिर वो सी के पास वो बात पहुंच जाती है, सी कहता है कि भाई मेरे पास जो है मैं फलानी जगह पर बैठा था, दिन के इतने बजे थे तो मुझे वो आदमी मिले, उन्होंने मुझे ये बात कही, तो इस तरीके से इस एक ये जो चेन ऑफ नरेटर्स है इसके बगैर भी इसमें कुछ मौजूद चीजें हैं, तो यानी जो हम एंड पे हम कह सकते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में बैठा था कोई सहाबा, वो सहाबा कहता है कि मैं बैठा था वजू करने के बाद मैं आया सामने बैठा था, बहुत सारे वहां पर और भी सहाबा मौजूद थे तो मोहम्मद अरबी ने तशरीफ लाया और उन्हें ये बात फरमाई, तो वो बाकी जो वो फिर उसके बाद वो बात फरमाते हैं, लेकिन बाकी जो वो डिस्क्रिप्शन बोला कि मैं कहां पर था, कौन वहां पर आया, किसने कौन सी बात कही और वहां पर, तो वो सारा जो आ जाता है वो भी उसके लिए हम वो तुर्फ का इस्तेमाल अल्लाह अल्फाज करते हैं, विच मीन्स द पार्ट और द बिगिनिंग सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट विच रेफर्स टू द सेइंग्स एक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिज दिस और हिज कंकरेंस विद अदर एक्शंस जो उस टाइम पर जो कुछ वो उस टाइम के जो हालात वहां पर होते थे, तो ये है हदीस के जो तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है इसके साथ ही हमारा जो है आप इम्पॉर्टेंस ऑफ हदीस, हदीस की जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंस क्या, ये तो हम कह सकते हैं ये पार्ट है, पार्ट मतलब होता है ये कि विदाउट दिस हदीस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कुरान, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इस्लाम, कुरान को समझने के लिए हदीस बहुत ही जरूरी है, विदाउट हदीस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कुरान, अरे कुरान की बहुत सारी चीजें जो है वो हम समझ सकते हैं मगर कुरान का जो असली लबाब है, जो जिस मकसद के लिए कुरान रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद के लिए कुरान को वही किया दुनिया में, मोहम्मद पर नाजिल वो किताब की गई है, उसका जो असली एसेंस जो है दुनिया में जो वो कायम होना चाहिए, उस कुरान का जो मकसद और उसका जो रूल है वो तब कायम हो सकता है जब हम हदीस को समझें, तो ये इंपॉर्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूंगा, कुरान कहता है कि भाई आप एक काम कर कीजिए, आप नमाज कायम करें,
आप रोजा रखें, ठीक है, आपको जकात देना है, जितने सारे इस्लाम के फंडामेंटल चीजें हैं, आपको मानना है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो हम पहला से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम कहते हैं बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन इस्लाम की बुनियाद जो पांच चीजों पर खड़ी है, तो वो पांच चीजें जो है वो समझाने के लिए हमारे पास मोहम्मद अरबी सल्लम से कौन सी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसके बगैर। तो इसलिए इस जकात को, नमाज को किस तरह अदा किया जाए, कुरान कहता है अकीमुस्सलात, कि आपको नमाज कायम करनी है, कायम कैसे करेंगे वो तो हमें सीखना है मोहम्मद अरबी सल्लम, हदीस के अहादीस के बगैर नमाज हम कायम ही नहीं कर सकते हैं, अहादीस के बगैर रोजे हम रख ही नहीं सकते हैं, जकात हम अहादीस के बगैर दे ही नहीं सकते हैं जब तक कि हमें ये पता ना हो कि जकात कैसे देनी है, क्या इसमें मामला है, तो वो सारी चीजें जो है अहादीस से ही हमें पता लग सकती है। तो यानी दूसरा बात हमें कह सकते हैं कि दीन इस्लाम को हम नहीं समझ सकते हैं विदाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विदाउट अहादीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस। तो अहादीस का जो जिस तरीके से ये साइंस को डेवलप किया गया है, जिस तरीके से हमारे पास मौजूद है, वो भी उससे भी एक इंसान में जो है एक जहानत पैदा हो जाती है दुनिया की बाकी उलूम समझने में अहादीस का बहुत ही गहरा रोल है, क्योंकि ये फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो इसको तो हदीस के अहादीस रसूल सल्लम के बगैर कोई और नाम हम दे ही नहीं सकते। सारी सारी जो मोटी मोटी बातें जो इसमें है वो आप याद रखेंगे इसमें, तो रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह तआला हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।